मानेसर की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले के हर एक पहलू को हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आज यह सभी किसान और सभी प्रदर्शनकारी डीसी जिला उपायुक्त से मिले और नरेंद्र मोदी से मांग करी है कि वह इन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे। इसको लेकर इन्होंने आज ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा है। इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनकी रणनीति अब की है और आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ रहेगी। मैम एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम रीना यादव है। क्या कहेंगे, क्या कुछ रणनीति निकली है डीसी साहब से आप मिले हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने आश्वासन? डीसी साहब को हमने, क्योंकि हम हमारे जो प्रतिनिधि जो हमारे किसान नेता जो हमारे मिलने गए थे तो मुख्यमंत्री ने हमारी मदद करने से मना कर दिया, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो हम लोगों ने तो यही बोला कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम सारे अब जितने भी 1810 एकड़ के जितने भी लोग हैं वो हमारी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। अगर हर सरकार हमारी जमीन नहीं छोड़ सकती तो हमें इच्छा मृत्यु क्यों दे दे। अब राष्ट्रपति से हमारा यही निवेदन है। तो 400 गज का प्लॉट की मांग, अब क्या कुछ ये है इनका भी बताए जो नई रणनीति मनोहर सरकार ने बनाई। ये सरकार नहीं है, ये अलग ही है कि अपने बिजनेस माइंड से चल रही है। इन्होंने बोला है कि एक एकड़ जमीन हम लेंगे आपके 91 लाख में, आप बदले में हमसे 450 गज का प्लॉट लीजिए, उसको उसके हमें कीमत दीजिए 90 लाख रुपए। मतलब 91 लाख में जो जमीन हमसे खरीदेंगे वही जमीन हम किसानों को 10 प्लॉट में बदल के 10 करोड़ की हमको बेचेंगे। तो कैसा देखते हैं सब? बहुत बहुत दुखदाई है। हमने तो इस सरकार से, बीजेपी सरकार से, जब हमें लगा था कि एक ऐसी सरकार आई है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, पर ये तो सबसे ज़्यादा किसान विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी, बहुत ये तो सिर्फ लगता है कि बिजनेसमैन की सरकार है, इनका कोई लेना देना नहीं है। 2 महीने से ज़्यादा हो गया इस धरने का, क्या लगता है कि कितना और चलने वाला है धरना? नाम बताएं। प्रेमा कासन से। क्या कहेंगे कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया, कब तक चलेगा, क्या कुछ? नीचे कर लो, बताओ शाबाश। मैम आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो बोल भी नहीं पा रही इसका, मैं बोल देता भाई क्या बात है इसकी? क्या इनकी, ये हमारी कॉलोनी की लेडीज है। हमारी कॉलोनियों के बारे में तो सोचा नहीं खट्टर साहब ने बिल्कुल भी। प्लाट जो हमने 100-100 गज का, 50-50 गज का प्लाट ले रखा है, उसको तो किसी भी एंगल में नहीं वो सोच रहे कि हमने बनवाई कितनी दी है, मकान बनाया, जमीन खरीदी है, कर्जे में वो लेके कर रहा है। हम तो किसी भी एंगल में, हम तो वैसे भी मर गए हैं। अब ये इस तरीके से मारने से तो अच्छा है कि ऐसे ही मार दो, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ ऐसे में। कहने तक मेरे माँ बाप सोचते कहाँ बनवा लिया ये, और समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं आगे। आप क्या करना चाहते हैं? क्या कर तो वो रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि किसी भी तरीके से हमारे घरों को छोड़ दो, कितनी मुश्किल से हमने ये बनाया है। डीसी को ज्ञापन सौंपा है, लगता है कुछ होएगा। मुझे कुछ भी तसल्ली नहीं हो रही इनसे, किसी से भी कोई तसल्ली नहीं हो रही। इतने दिन हो गए हमें ये कहते कहते, लेकिन हर रोज एक नया वादा, हर रोज एक नई दिन, लेकिन मुझे तो अब तो विश्वास ही खत्म हो चुका है कि कोई क्या कह रहा है कोई क्या नहीं कह रहा है। मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मरने के सिवा और कुछ है ही नहीं है। देख सकते हैं ये जो महिला है ये बहुत परेशान है और रो भी रही है। इनका कहना है कि अब ये समझ भी नहीं आ रहा है इनको कि क्या कुछ करे। एक बार सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोतीलाल है, मैं इसका जो धरना उसका संयोजक हूँ और मैं 71 दिन हो गया मेरे को धरना चलाते हुए। हमारी जो कॉलोनी से प्रेमा राजपूत है, इन्होंने 50 गज का प्लाट है इनका, और इन्होंने लोन लेकर गहने बेच के कर्जा लेकर के अपना मकान बनाया हुआ है और बहुत हालत ख़राब है। आज कर्जे में है बेचारी और इनका मकान टूटने के कगार पर है। बार बार हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कॉलोनी को छोड़ दो, 11 करोड़ का मुआवजा दे दो और हमारी ज़मीन छोड़ दो, 300 शर्तों में से एक मान ले, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। आज जो हमने इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, ये हमारा लास्ट निर्णय नहीं है। हम अब अपनी रणनीति बनाएंगे, संसद का घेराव भी करेंगे, हम मोदी जी के पास भी जाएंगे और हम हर तरह से अपना हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत अपनी ज़मीन नहीं देंगे। क्या मैम क्या लगता है, एक बार अपना नाम बताएं और जिला उपायुक्त को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे? मेरा नाम मुकेश चौधरी है और जो हमने ज्ञापन सौंपा है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जो डीसी साहब ने हमसे आश्वासन किया है, ये आश्वासन तो पिछले 10-11 सालों से मिलते आ रहे हैं और खट्टर के पास भी गए हैं, वहाँ भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। आपने देखा गांव की महिलाओं पर जिनके पास 50-50 गज के प्लॉट है, ये एक एकड़ जमीन का अगर 91 लाख दे रहे हैं तो 50 गज का जो जमीन है उसकी क्या मुआवजा मिलेगा? आप बताइए 10-20 हज़ार रुपये में कहाँ मकान मिल रहा है, कहाँ पर गुजार बसर कर लेंगे? इससे अच्छा है सरकार इनको इच्छा मृत्यु का कह दे कि आप लोग अपनी इच्छा से मृत्यु कर सकते हैं, तो ये कम से कम अपनी शांति से जी तो मर तो सकते हैं।
ही नहीं सकते। तो बस यही सरकार से निवेदन कि इनकी जो समस्या है उनको सुने और उनका समाधान करें, ये ना कि पब्लिक को परेशान किया जाए। और बद्दुआएं तो सब किसी को डाल सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने इतना कट्टरपन दिखा रखा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये जो लोग हैं और ये जो महिला प्रदर्शनकारी महिला है, इनका ये मानना है कि इनको अपनी ज़मीन नहीं देनी और इनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। गौरतलब रहे कि पहले थोड़े दिन पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जो यहाँ की महिला है, जो प्रदर्शनकारी महिला है, इन्होंने कहा था कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो वह जोर करेगी। जैसे पद्मावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जोर करा था, वैसे यह भी अपनी ज़मीन, इनकी इज्जत और यह ज़मीन को बचाने के लिए जोर करेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये कब तक, यह जो इनका गुस्सा है ये कब कहाँ आकर रुकता है और सरकार इनकी बात मानती भी है या नहीं। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।